हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सीटू कंजर्वेशन, जिसमें हम एक्सीटू कंजर्वेशन के कुछ एग्जांपल्स को मेंशन करेंगे। एक्सीटू कंजर्वेशन में हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट से कहीं दूसरी जगह किसी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को डेवलप करके। यहाँ पे हम जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके रखरखाव का ध्यान रखते हैं और साथ में उनकी ब्रीडिंग का भी ध्यान रखते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे जूज हो गए या नर्सरीज, बोटानिकल गार्डन, जीन बैंक्स, ये सब। यहाँ पे हम इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस, फूड और वाटर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से स्पीसीज में आपस में कोई कंपटीशन नहीं होता है रिलेटेड टू द फूड, वाटर एंड स्पेस। और एक्सीटू कंजर्वेशन के फ़ायदे ये होते हैं कि हम ज़्यादा समय तक और ज़्यादा ब्रीडिंग एक्टिविटीज जो है एनिमल्स के थ्रू यहाँ पे करवा सकते हैं। और स्पीसीज जो है यहाँ पे जो भी वाइल्ड स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट होने वाली है उनको हम इस पर्टिकुलर एरिया में इंट्रोड्यूस करा के या री इंट्रोड्यूस करा के उनकी ब्रीडिंग का ध्यान रख सकते हैं। साथ में जो भी जेनेटिक टेक्निक्स हैं प्रिजर्वेशन की इंडेंजर्ड स्पीसीज को लेके उनको भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स एक्सीटू कंजर्वेशन के हैं, जैसे सीड बैंक हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर, डीएनए बैंक, कार्बोरेटा, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स, एक्वेरिया, सेक्रेट प्लांट्स एंड होम गार्डन, ये सब एक्सीटू कंजर्वेशन के मेथड्स हैं। सीड बैंक्स में हम मेंटेन और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं बायोडायवर्सिटी को। और ये बेसिकली आपके जो सीड्स जिन प्लांट्स के कोई प्रेयर प्लांट्स हों या फिर आपके इंडेंजर्ड प्लांट्स हों उनके सीड्स को हम यहाँ पे कंजर्व करते हैं। तो हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं और तब स्टोर करते हैं ताकि हम उन्हें फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें। और यहाँ पे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी के बेसिस पे भी अपने प्लांट स्पीसीज के सीड्स को कंजर्व करते हैं। इंपॉर्टेंस है सीड बैंक की, हम यहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हैं क्रॉप डाइवर्सिटी को, प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से और नेचुरल डिजास्टर से और मैनमेड डिजास्टर्स जो भी हैं उनसे हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने सीड्स को। डिजीज रेजिस्टेंट सीड्स डेवलप करने हो तो वो भी हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। और जो भी रिसर्चर है उसे अगर सीड रिलेटेड मटीरियल चाहिए तो उसे यहाँ से प्रोवाइड कराया जाता है सीड रिलेटेड मटीरियल। कुछ इंपॉर्टेंट सीड बैंक्स हैं जैसे मिलेनियम सीड बैंक लंदन का या स्वालबार्ड ग्लोबल सीड बैंक नॉर्वे का, नवदान्या सीड बैंक, अन्नदाना सीड एंड सॉइल सेवर्स एंड ग्रीन फाउंडेशंस, ये तीनों इंडिया के सीड बैंक्स हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन एक इनविट्रो कंजर्वेशन का मेथड है जिसमें हम जर्म प्लाज्म जैसे कि ओवरी हो गया, ओव्यूल हो गया, स्पर्म हो गया या एग हो गया, पॉलन और सीड्स, इन सब को कंजर्व करते हैं। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर डीप फ्रीजर का, वेपर नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, इनका यूज़ करते हैं। और इसे हम अल्ट्रा लो टेम्परेचर में कंजर्व करते हैं मटीरियल को जो भी हमारा कंजर्वेशन का है। और इसके लिए हम -196 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक भी देते हैं कम से कम। और इसमें हमारी जो ग्रेजुअल कूलिंग और साइमल्टेनियस डिहाइड्रेशन जो चलती है वो टिश्यू कल्चर के माध्यम से होती है। और इस मेथड में हम कम खर्चे में अपने मटेरियल को कंजर्व कर लेते हैं। टेक्निक ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन में हम सबसे पहले स्टेराइल टिश्यू का कल्चर करते हैं और उसे क्रायो प्रोटेक्टेंट के साथ कंजर्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जैसे स्पर्मेटोजोआ लिया फिशेस का और उसे फ्रीजिंग मीडिया में हमने रख लिया। इसके लिए बेसिकली हम 10% फ्रीजिंग मीडिया यूज़ करते हैं जैसे डाइमिथाइल सल्फोक्साइड और फीटल बोवाइन सीरम के साथ हमने स्पर्मेटोजोआ को ट्यूब्स में रख दिया और फिर इसे फ्रीज करते हैं। तो फ्रीज करने के लिए हम यहाँ पे या तो वेपर लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं या फिर लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ कर लेते हैं या फिर ड्राई आइस को यूज़ करते हैं। फ्रीजिंग के बाद हम स्टोरेज कर लेते हैं। तो जो भी लिक्विड नाइट्रोजन के चैम्बर्स हैं सिलेंडर्स उनमें हम इस सैंपल को टेस्ट ट्यूब में रख के कंजर्व कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। स्टोरेज के बाद अगर हमें दोबारा से इस सैंपल को रीयूज़ करना है तो उसके लिए हम थॉइंग करते हैं। थॉइंग के लिए हम इसे इस जो टेस्ट ट्यूब है इसे चैम्बर से बाहर निकालेंगे और फिर इसको वाटर बाथ में रखेंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कुछ समय तक। और फिर उसके बाद जो है हम ये जो भी सैंपल है उसे रीकल्चर करेंगे मीडिया में और लास्टली हम इन जो भी सैंपल्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं जैसे हम इंसेमिनेट कर रहे हैं इस फिश को इस स्पर्मेटोजोआ सैंपल के थ्रू।
टिश्यू कल्चर जो है एक इनविट्रो एसेप्टिक कल्चर मेथड है, जिसमें हम सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स उनको कंजर्व करते हैं। और इस मेथड के थ्रू हम बहुत सारे क्लोन्स भी बना लेते हैं अपने प्लांट्स के या फिर एनिमल्स के। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी आपका सिलेक्टेड जीनोटाइप है उसके क्लोन्स बनाने की हम कोशिश करते हैं आपके इन विट्रो कल्चर मेथड के थ्रू। तो हम क्या करते हैं कि एक मीडिया सप्लाई देते हैं इसमें, और मीडिया जो है उसमें आपके बेसिकली न्यूट्रिएंट्स और पीएच और टेम्परेचर या जो भी आपका लिक्विड या गैसेस एनवायरनमेंट है उसको हम प्रॉपर सप्लाई उसकी देते हैं। और इसके थ्रू जो है हम बेटर वेराइटीज़ बना सकते हैं प्लांट की, डिजीज एलिमिनेट कर सकते हैं उनसे, या फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। रिसर्च पर्पज़ से ये काफ़ी बेनिफिशियल है। और वहीं हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैक्सीन्स और एंटीबॉडीज़ जो है वो डेवलप कर सकते हैं। और इसमें हम कल्चर कर सकते हैं अपने फाइब्रोब्लास्ट, स्केलेटल सेल्स, कार्डियक सेल्स या फिर एपिथीलियल टिश्यूज़, स्किन, किडनी, इन सब जैसे ट्यूमर सेल्स, इनका प्रोडक्शन जो है हम यहाँ पे टिश्यू कल्चर के थ्रू कर सकते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन एक प्रोपगेशन मेथड है प्लांट्स के टिश्यूज़ को कल्चर करने के लिए, जो हम फैलाव करने के लिए टिश्यूज़ का एक मेथड यूज़ करते हैं। इसमें चार स्टेजेस आती हैं। तो हम फिगर में देखें तो पहली स्टेज है, हमने एक अपना प्लांट लिया सैंपल और इससे हमने कुछ टिश्यूज़ ले लिए जिसे हमने एक्सप्लांट कहा। इस एक्सप्लांट को हमने कल्चर किया अपने न्यूट्रिएंट मीडिया के साथ, तो ये जो है इसे हम इस्टेब्लिशमेंट कहेंगे। फिर हमने इस इस्टेब्लिश टिश्यू में क्या हुआ कि धीरे धीरे कैलस बनने लगा। कैलस जो है अनडिफ्रेंशिएटेड सेल का एक मास होता है, और यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा टिश्यू था वो बहुत सारे सेल्स में अब कन्वर्ट हो गया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है जो टिश्यू का वो हो गया। तो नेक्स्ट हम देखें तो अब कैलस जो है वो एम्ब्रियोड बनाएगा। एम्ब्रियोड जो है वो एम्ब्रियो से जस्ट पहले की कंडीशन होती है, जिसमें पहले रूट्स निकलती है और फिर शूट्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये स्टेज थ्री है। स्टेज फोर में हम देखते हैं कि जो प्लांटलेट है एम्ब्रियो से अब पूरा का पूरा एक प्लांट बन चुका है जो अपने पेरेंट प्लांट जैसा है। और अब ये जो प्लांटलेट है हम इसे क्या करेंगे, हार्डनिंग करेंगे इसकी, ताकि ये नेचर में सर्वाइव कर सके। तो इसके लिए हम इसे ग्रीन हाउस में अब कुछ टाइम तक पॉटिंग करके इसकी रखेंगे। इसे हम एक्लिमेटाइजेशन कहेंगे, जो कि स्टेज फोर है। और इससे हम कैपेबल बनाएंगे अपने प्लांट को ताकि वो नेचुरल कंडीशन में सर्वाइव कर सके। एनिमल टिश्यूज़ में हम पहले एनिमल टिश्यू लेते हैं और उसे हम छोटे छोटे पीसेज में तोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद हम एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट के थ्रू एंजाइम के साथ ट्रीट करते हैं अपने टिश्यू को, और उससे हम जो भी हमारे टिश्यूज़ हैं उनको सेग्रीगेट कर देते हैं, यानी कि उनको अलग अलग कर देते हैं हम। और फिर जो भी हमारा टिश्यू है वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो सेल्स हैं हमारे टिश्यू सैंपल से निकले हुए उनको हम इनोकुलेट करते हैं, हम उन्हें कल्चर मीडिया में रखते हैं और फिर उनको कल्चर करने के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, मीडिया से न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब हमारे सेल्स ग्रो कर जाते हैं तो मीडिया कम हो जाता है, तो हम उन्हें सब कल्चर करते हैं और टिश्यूज़ को दूसरी कंटेनर में डाल के उसमें फ्रेश मीडिया डाल के उनको सब कल्चर करते हैं, या फिर हम उन टिश्यूज़ को क्रायोप्रिजर्व भी कर सकते हैं ताकि हम उन्हें आगे फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकें। डीएनए बैंक्स कुछ ऐसे बैंक होंगे जो इंडिविजुअल के जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करेंगे लंबे समय के लिए। और यहाँ पे हम पहले डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे ब्लड, सलाइवा, स्किन, हेयर, सीमन, कुछ और टिश्यूज से हम इन डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर हम ये जो एक्सट्रैक्टेड मटेरियल है आपका डीएनए, इसको हम टेस्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे कि इसमें किस तरीके की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। और ये हम करेंगे रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के थ्रू। तो ये आपके लेबोरेटरी मेथड्स होंगे जिसके थ्रू हम एनालिसिस करेंगे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। और फिर यहाँ पे जो आपके अधिकतर जो एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं उनका डीएनए कंजर्व करने की हम कोशिश करते हैं डीएनए बैंक्स में, और रिसर्च पर्पज़ के लिए और ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। वहीं पेरिनियल ट्रीज और श्रब्स के लिए ये मेथड काफ़ी हेल्पफुल है। तो डीएनए बैंक्स के कुछ एग्जाम्पल देखें तो इंडियाना पॉलिस यूएसए का एक जीन बैंक है। वहीं इंडिया में अभी तक 16 जीन बैंक्स बन चुके हैं, और दो एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया हमने, दैट इज़ इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आरवीआरआई बरेली
और ह्यूमन डीएनए बैंक इंडिया।